फ्रेंड्स, मैं नवनीत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गाइस वॉक पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे बजाना है तू तू है वही। तो फ्रेंड्स, पहले बजा के दिखाऊंगा फिर आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो रिफ सिखाता हूं, जो मैं क्लीन गिटार पर सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी रहे। पहले बजा के दिखाता हूं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा वो पार्ट। ये बहुत इजी है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। तो मैं इसको पहले फोर पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग 6 फ्रेट 8, देन स्ट्रिंग 5 9 एंड स्ट्रिंग 5 10। कैसे स्लो आपके लिए। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, बस फर्स्ट नोट चेंज करना है जो स्ट्रिंग नंबर 6 पे आ जाएगा फ्रेट 10, बाकी तो नोट सेम है। मतलब 9 एंड 10 ऑन स्ट्रिंग 5। तो फर्स्ट फ्रेज वॉज, सेकेंड एंड थर्ड इज स्ट्रिंग नंबर 6 पे फ्रेट 7। थर्ड फ्रेज के द्वारा देखिए, स्ट्रिंग नंबर 6 पे पहले 2 टाइम फ्रेट 7, देन स्ट्रिंग नंबर 5 पे 10 9। कैसे, तो मैं पहले आपको तीनों फ्रेज बजा के दिखाता हूँ। लास्ट मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नंबर 5 पे 10 9, देन स्ट्रिंग नंबर 6 10। दोबारा देखते हैं स्लो। अब मैं स्लो सारे जोड़ता हूं। अब इसको टोटल 4 बारी बजाना है। कैसे, thank you.
से दो बारी और। तो ये हमारा गाने का इंट्रो रिफ कंप्लीट हुआ, इतना सा ही है। नाउ हम सॉन्ग की फर्स्ट लाइन करते हैं कैसे है। तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं लिरिकल पार्ट सॉन्ग का। फर्स्ट लाइन जो है वो ये साउंड करती है। नाउ स्लो फॉर यू, थर्ड स्ट्रिंग फ्रेट 9, देन स्ट्रिंग नंबर 2, 7 8, 7 9, बैक टू थर्ड स्ट्रिंग, देन फर्स्ट स्ट्रिंग फ्रेट 8। जो लाइन है नाउ सेकेंड लाइन, हमारे शुरू हुई स्ट्रिंग नंबर 1 फ्रेट 7, देन स्ट्रिंग नंबर 2 पे फ्रेट 10 8 7, लास्ट कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 7। तो फर्स्ट टू लाइंस कनेक्ट करते हैं, नाउ नेक्स्ट ये कैसे हो रहा है, स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 9, स्ट्रिंग 2 फ्रेट 7, देन 3 9 3 7, देन स्ट्रिंग नंबर 2 पे मैं फ्रेट 12 10 12, मैं कैसे कर रहा हूँ, हिट पुल ऑफ हैमर ऑन। तो पूरा देखते हैं, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग नंबर 2 फ्रेट 10 8 7, देन स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 9, ऐसे आपने करना है यहाँ पे कैसे, हैमर ऑन पुल ऑफ देन दिस। अब इतना करते हैं शुरू से, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग नंबर 2 पर शुरू हो रहा है 7 8 7 9 ऑन थर्ड, देन 10 ऑन सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। शुरू से इतना करते हैं, नेक्स्ट फ्रेज ध्यान देखिए, स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग नंबर 2 फ्रेट 8 7, देन स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 9 8, देन एंड हो रहा है स्ट्रिंग नंबर 4 फ्रेट 9, ठीक है। उसके बाद This is your string number 4, fret 9, string number 3, fret 8, string number 2, fret 7, string number 1, fret 7. ये हमने string number 2 पे fret 10, then fret 9. अब आपको इतना phrase बजाके दिखाता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज देख सकते हैं, जैसे आप स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग नंबर 2 फ्रेट 10, देन स्ट्रिंग नंबर 1 फ्रेट 7 8, देन
स्ट्रिंग नंबर वन फ्रेट 7, देन स्ट्रिंग नंबर टू फ्रेट 10, स्ट्रिंग नंबर टू फ्रेट 8, देन बैक टू फ्रेट 10, बैक टू स्ट्रिंग नंबर वन फ्रेट 7। तो इतना करते हैं। ये कैसे है, स्ट्रिंग नंबर वन पे 8 7, स्ट्रिंग नंबर टू फ्रेट 10। ठीक है फ्रेंड, दोबारा देखते हैं। रिपीट, इतना रिपीट हुआ। उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है हमारा स्ट्रिंग नंबर टू फ्रेट 8 7, स्ट्रिंग नंबर थ्री फ्रेट 9। इसके बाद देन स्ट्रिंग नंबर टू 7 8 7, स्ट्रिंग नंबर थ्री 9, देन एंड करना है स्ट्रिंग नंबर टू फ्रेट 10। देन लास्ट में कैसे, दोबारा देखिए। ये मैं हिट कर रहा हूँ स्ट्रिंग नंबर टू फ्रेट 8 पुल ऑफ 7, देन स्ट्रिंग नंबर थर्ड पे मैं 9 पे हिट करके 11 तक स्लाइड कर रहा हूँ। कैसे, दोबारा देखिए। इसके बाद ये कैसे होगा, स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 7, स्ट्रिंग नंबर 2 फ्रेट 7, हैमर ऑन 8 पुल ऑफ 7। कैसे, एंड करना है स्ट्रिंग नंबर 3 फ्रेट 9। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बजा के दिखाता हूँ। इसके बाद अगर आप डेमो देखेंगे तो डेमो में मैंने फिर से इंट्रो रिफ बजाई है 2 बारी, जो मैं सिखा चुका हूँ। ऐसे है, उसके बाद हमारा यहाँ से हमारे गाने का अंतरा शुरू हो रहा है, जो हमारा सेकंड रिपीट शुरू हो रहा है 1। देन इसको रिपीट कर रहे हैं, मतलब बहुत सिर्फ 2 लाइन का इजी सा अंतरा है। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, हिट मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग नंबर 1 फ्रेट 7 टू 12 में स्लाइड करूँगा 2 टाइम, देन 10 10 10 10 पे हिट करके 12 तक स्लाइड। एक बारी और आपके लिए, नेक्स्ट लाइन वेरी इजी, स्ट्रिंग नंबर 2 12 पे हिट किया, स्लाइड बैक स्ट्रिंग नंबर 2 10 तक, देन स्ट्रिंग नंबर 1 10, देन स्ट्रिंग नंबर 2 10, देन हिट करना है 10 पे 12 तक स्लाइड लाना है, देन अगेन हिट। कैसे, अब पूरा स्लो आपके लिए, इसको रिपीट करना है। यानी यहाँ पे आप छोटी सी चीज है, फिर हमारा दोबारा हम मुखड़े पे आ जाएंगे। ये हम यहाँ सारा पार्ट कर चुके हैं। यार में क्या करना है, 2 टाइम 12, देन स्ट्रिंग नंबर 2 पे ही 11, देन 10, ठीक है।
अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे ये कनेक्ट हो रहा है अंतरे से दोबारा मुकुट पे। यहाँ से हम सारा कर चुके हैं, सारा रिपीट होगा, वही वाली लाइन जो है मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। फिर भी मैं आपको एक बारी बजा के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बार बार आप डेमो देखिए, डेफिनेटली समझ आएगा। अंतरे शुरू करता हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड्स ये आज का लेसन हुआ ख़त्म। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप फ्रेट्स भी बताया कीजिए, तो मैंने स्लो बजाने के साथ आपको फ्रेट्स भी बताए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल डाइसा को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे लेसन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।